हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि मैं आपको कुछ टाइम पहले कम्युनिटी टैब में आपको एक पोस्ट डाला था जिसमें हम बताए थे कि आप में से जो कोई भी इंटरेस्टेड हो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में दोस्तों, चाहे वो स्टार्ट कर चुके हैं या फिर स्टार्टअप करने वाले हैं और उनको नॉलेज थोड़ी कम है या थोड़ी ज़्यादा है, या फिर काम कर रहे हैं वो फ्रेशर हैं, या फिर कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में दोस्तों मैं आपको जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मुझे जानकारियां हैं, उसके ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने सोचा है। फिलहाल दोस्तों मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी टीम नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से ही काम कर पाता हूँ। दोस्तों कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाले 4-5 दिन हो गए हैं, मैं रोज सोचता हूँ लेकिन वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ, इसलिए दोस्तों आज मुझे टाइम मिला है और हमारे पास एक लड़के भी हैं, वो रहते हैं, आज फिलहाल नहीं है, हाल ही में हो गया है, आए हैं, तो मुझे हो सकता है मदद मिलेगा उनसे और मैं आपको सीरीज में 1x1 करके सारे के सारे वीडियो आपको देता रहूँगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप जो भी आप में से मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हम एक दुकान खोलें और वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग करके अर्निंग करें, तो वो उनका सोच बहुत ही अच्छा है और आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मोबाइल रिपेयरिंग की, दोस्तों अगर हम बात करें इसमें इस फील्ड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे कोई भी रोक नहीं है कि आपके पास 10th की डिग्री हो, 12th की डिग्री हो या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री हो, तभी आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, हुनर है और आप हैंड स्किल से आप अपना काम कर सकते हैं, आपके पास माइंड है और आप एक नए तरीके से किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं, आपके अंदर ऐसी क्षमता है, तो आप इसको आप इजी कर सकते हैं। ऐसे अगर हम नॉर्मल बात करें तो आजकल हर कोई 10th 12th तक कम्प्लीटली ओके है, और दोस्तों या 10th 12th नहीं भी है वो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं और एंड्रॉयड फ़ोन के यूज से उनको काफ़ी सारी नॉलेज मिल रही है और वो अपना फ़ोन एक कंप्यूटर की तरीके ऑपरेट करते हैं। दोस्तों आज के पीरियड में मोबाइल फ़ोन में और कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी अंतर नहीं रह गया है, ताकि कोई भी अगर मोबाइल फ़ोन को अच्छे से यूज कर ले रहा है तो थोड़ी बहुत नहीं तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे अगर उसे आप 2-4 दिन बता के बैठा दें तो आराम से एक बेसिक काम अपना निकाल सकता है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो इसके हिसाब से तो दोस्तों आपको जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वो मैं आपको बता ही दिया हूँ। इसमें आपको अगर 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश आती है थोड़ा बहुत तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर चलाने बैठेंगे तो उसमें हिंदी लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको अगर थोड़ा जानकारी है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी आप सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन चलाना सीख गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग आखिर में किस तरीके से किया जाता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग दो तरीके से होता है बेसिक, पहला तो आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं और दूसरा आप हार्डवेयर कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हम किसी भी फ़ोन को सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर मोबाइल को रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके कनेक्टर जैक से हम पीसी या लैपटॉप से उस फ़ोन को रिपेयरिंग करके उसे हम ऑन कर सकते हैं, उसके हैंगिंग प्रॉब्लम अनलॉकिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो फ़ोन हमारे पास है आया है, अगर उसमें कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर इशू है और लैपटॉप से बाहर से ही हमारा काम हो जा रहा है, तो उसे हम सॉफ्टवेयर बेस काम कर सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर वर्किंग के लिए इस तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग होता है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर वर्क में आ जाएगा। और दूसरा होता है हार्डवेयर, जो कि दो तरीके से ही मोबाइल रिपेयरिंग को आप कर सकते हैं। हार्डवेयर में इसका स्पेयर पार्ट चेंज हो गया, जो भी है आप उसे अगर खोल के करते हैं बाहर से और मोबाइल को पूरा डिसेंबल करके आप पार्ट को चेंज करके करते हैं, तो आप उसमें हार्डवेयर रिपेयरिंग कर सकते हैं।
और इस तरीके से दोनों तरीके का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और दोनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पता है तो भी आप फोन को पूरी नहीं रिपेयरिंग कर पाएंगे, और अगर आपको हार्डवेयर पता है सॉफ्टवेयर पता नहीं है तो भी आप पूर्ण मोबाइल को रिपेयर नहीं कर पाइएगा। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए और आप सबको फुल जीरो से हीरो लेवल तक की ट्रेनिंग में पूरा एक एक इंच इंच जो भी होता है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं जो भी नॉलेज रखता हूँ मैं आपको ए टू जेड बता दूंगा, और मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि वो आपको पूरा दिमाग में धंस जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, बहुत ज़्यादा जानकारी रखने से कोई फायदा नहीं है, जानकारी कम हो लेकिन अगर दूसरे को आप एक्सप्लेन करके उसे अच्छे से बता सकते हैं तो जानकारी बहुत मायने रखती है दोस्तों। एक ही बारे में आपको एक ही चीज पता चले लेकिन वो अच्छे से पता चले तो आपको हजार चीज करने से ही बेहतरीन होगा। तो आप इन दोनों तरीके से अपने फोन को रिपेयर कर सकते हैं, इन दोनों तरीकों को आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आने वाले वीडियो में जो भी वीडियो आएंगी #123 करके आएंगी, पार्ट बाई पार्ट आएंगी, और उसमें आपको सारे के सारे फॉल्ट को समझने के लिए मौका मिलेगा और मैं आपको उसमें एक एक चीज को विधिवत बारीकी से बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों ये मैं आपको यही बताने के लिए वीडियो बनाया था कि फोन को किस तरीके से रिपेयरिंग किया जाता है, और जो कल के डेट में वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सारा का सारा टूल एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पास कौन कौन से टूल रिप्रेजेंट में होने चाहिए जिसे आप यूज करके मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, और आप उससे मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप भी खोल के कस्टमर का भी फोन रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बावजूद भी मैं आपको कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप चाहे फ्री कोर्स करें, चाहे पेड कोर्स करें, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स करें, लेकिन जो आपके आसपास शहर सिटी गांव कस्बे में जो दुकानें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भारी मात्रा में कस्टमर यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आप उस दुकान पे 10 दिन 15 दिन एक महीने ही सही, लेकिन वहाँ पे जाके आप जरूर उन दुकानों पे रहें। वहाँ से आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, आपको एक कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है या फिर कस्टमर का व्यवहार कैसा होता है और रिस्पॉन्स कैसा करता है एक दुकानदार के यहाँ, वो सब चीज़ आपको वहीं सीखने के लिए मिलेगी, ये किसी अदर इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं पे भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। जो आप अनुभव से सीख सकते हैं वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सीख सकते। तो आप कितना भी अभी पढ़ लें, थ्योरी कर लें, प्रैक्टिकल कर लें, लेकिन दुकान खोलने के लिए आपको किसी दुकानदार भाई के पास जाके रहना पड़ेगा, चाहे आप 10 दिन 15 दिन महीना दिन रहें अपने नॉलेज के हिसाब से और अपने कैचिव माइंड के हिसाब से कि आप किसी भी चीज़ को कितना जल्दी उसे आप पकड़ सकते हैं। तो यही है दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल के डेट में मैं आपको टूल एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।